स्वागत है आप सबका द लाइफ स्टोरी में। मैं आपका पॉडकास्टिंग जॉकी ऋषभ। मैं आज आपको ऐसे महान शख्सियत के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया। हमारे देश में एक ऐसे भी शख्सियत थे जिनका जन्म हुआ था, जिसने राजनीति और विज्ञान के क्षेत्र में बहुत कुछ दिया है और उनसे हमें बहुत सारे कुछ चीज मिले हैं। उनके दिए गए आविष्कार आज भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। उस शख्सियत का नाम है APJ अब्दुल कलाम। विज्ञान के क्षेत्र में कुछ देने वाले इस शख्सियत का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में हुआ था, जो कि रामेश्वर शहर तमिलनाडु में हुआ था। APJ अब्दुल कलाम के पिता का नाम था जनायलुद्दीन और उनके माँ का नाम था आशी अम्मा। तो चलते हैं आगे के सफर की ओर। बचपन और शिक्षा। APJ अब्दुल कलाम का बचपन बहुत ही संघर्षों में गुजरा था, क्योंकि ये गरीब परिवार से थे। बचपन से ही पढ़ाई के साथ साथ काम भी करना पड़ता था। जिस प्रकार अखबार बांटने के लिए किसी का काम पर रखा जाता था, उसी तरह अब्दुल कलाम भी बचपन में अखबार बांटने का काम करते थे ताकि वो अपने परिवार का खर्चा चला सके। उन्होंने रामेश्वरम रामनाथपुरम के स्क्वाड्स मेट्रिकुलेशन हाई स्कूल में उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की। अब्दुल कलाम के बचपन में से हुई नई सीखने की जिज्ञासा ढूंढती। वो पढ़ाई भी करते तो पूरी लगन और जिज्ञासा से करते। कॉलेज और उनके करियर का ओर का दौर। अपनी स्कूली शिक्षा के पूर्ण के होने के बाद जैसे ही अब्दुल कलाम जी की रुचि विज्ञान में जुटी, उन्होंने भौतिक विज्ञान में अपना स्नातक ग्रहण किया। उसके लिए उन्होंने तिरुचली के सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद अब्दुल कलाम के आगे की पढ़ाई पूरी करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने 1995 में मद्रास की ओर प्रस्थान किया। वहाँ जाने के बाद उन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान की शिक्षा ग्रहण की, क्योंकि उनकी रुचि भौतिक विज्ञान में ज्यादा थी। उनकी शिक्षा का यह दौर करीब 1998 से लेकर 1960 तक चला। उनके आगे करियर और बढ़ने की ओर हम चलेंगे। करियर की दौर। अपनी शिक्षा के पूर्ण करने के बाद अब्दुल कलाम ने एक वैज्ञानिक के रूप में DRDO यानी रक्षा अनुसंधान में लिया विकास संगठन का काम किया। अब्दुल कलाम का सपना था कि वो भारतीय वायुसेना के लिए पायलट बने और देश के लिए कुछ करें। इसके लिए वो काफ़ी प्रयास करते हैं रहे, लेकिन वह इसमें नहीं जा पाए। परंतु उन्होंने अपने इसी सपने को सकारात्मक माध्यम से एक नई दिशा दी और उन्होंने शुरुआत में ही भारतीय सेना के लिए एक छोटा हेलीकॉप्टर का मॉडल तैयार किया। DRDO में काम करने के बाद अब्दुल कलाम की करियर